हमारे साथ सुल्तान अहमद साहब हैं जो अल्बेरिया से फिर से टीएमसी के टिकट पर वोट मांग रहे हैं। सर तैयारी कैसी चल रही है? इलेक्शन इलेक्शन जो है दो महीने बाकी हैं, लेकिन दो महीने नहीं है, लेकिन तैयारी मतलब क्या लग रहा है? तैयारी तो मैं 12 महीने तैयार रहता हूँ निर्वाचन के लिए, इसलिए कि संपर्क मेरा केंद्र से प्लस वोटर से रहता है, इसीलिए कोई अलग से कोई तैयारी की बात नहीं। सर पिछला चुनाव और ये चुनाव कुछ तो जरूर फर्क आपको नजर आता है? नहीं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, हम एक ही समझ रहे हैं, इसलिए कि लास्ट टाइम भी CPM वहाँ प्रार्थी दिया था, BJP दिया था, इस बार एक बढ़ावा यह है, लेकिन वहाँ के लोगों ने CPM और कांग्रेस को एक ही समझ लिया है, अलग से कुछ नहीं समझ रहे, समझ रहे लोग दोनों एक ही है। लेकिन कांग्रेस तो हर जगह कह रही है कि पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारे प्रार्थियों को साथ दिया था बोलकर उन्हें वोट मिला था। वो निर्वाचन का जब फलाफल आएगा, रिजल्ट आएगा, समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस कहाँ खड़ी थी और आज कहाँ है, ये तो कहने से नहीं होगा, आने वाला दिन ही बताएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ कांग्रेस जो है कोई ये नहीं, वहाँ ठीक है, इसलिए कि जनता तृणमूल के साथ है और तृणमूल ने जो और खुसूसी तौर पे मैंने जो 5 साल उन्नयन का काम किया, तरक्की डेवलपमेंट, ये जनता के आंखों के सामने है, और 6 महीना में जो हमारा पंचायत बना है 6 महीना कबल, उसने भी काम किया है, हमारे जो MLA हैं 6, उन लोगों ने भी काम किया है, तो ये सब मिला करके प्लस पश्चिम बंगाल सरकार मामाठी मानुष की नेत्री ममता बंदोपाध्याय जो हावड़ा पर सख्त नज़र और काम कर रही है, इसके बाद कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कोई पार्टी सामने आए। यानी आप जो हैं जीत के लिए बिल्कुल मतलब आश्वस्त हैं? इंशाल्लाह 100%। लेकिन दादा एक सवाल है कि MP-led जो फंड है उसमें आप लोग आपने बहुत पैसा खर्च किया, ये नेट पर भी आ चुका है, लेकिन क्या लगता है कि वो पैसा कहीं ना कहीं अगर विकास के कार्य में जब कोई नेता उतरता है कोई पैसे खर्च करने के लिए तो वो पैसे भी कम पड़ते हैं? सुल्ताना में तो क्या कहना है? नहीं वो तो कम ही है, लेकिन जो हमारा पार्लियामेंट जो सेंक्शन किया उसके अंदर ही हमें खर्च करना है, और फिर उसके अलावा जो हमने खर्च किया है राज्य सरकार ने जो काम किया है वो खर्च हुआ है, हमारे MLA ने अपने लेट से खर्च किया है, विद्युतीकरण हमने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट REC रूरल सबको मिला करके जो वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये एक ऐतिहासिक मामला है, 90% गाँव जहाँ बिजली नहीं था 2009 में, आज के दिन वहाँ बिजली पहुँच गया, ये एक बहुत ही विप्लवी आप कह सकते हैं काम हुआ है, जो बहुत कम ज़िलों में बहुत कम राज्यों में ये देखने में आता है। लेकिन अगर अल्बेरिया की सिर्फ बात करें तो 5 साल में आप कह रहे हैं कि बहुत वहाँ विकास हुआ है, तो आखिर कौन सा काम अछूता रह गया जो आप फिर से इस बार चुनाव जीत करके करना चाहेंगे? जहाँ 34 साल कोई काम नहीं हुआ था, 5 साल में हमने काम की शुरुआत की है, काम हो रहा है, उसको और उसको बढ़ाना है, गांव के रास्ते पक्के, ढलाई का रास्ता, गांव में पानी जो नहीं था हमने शुरू किया और भी करना है। लेकिन आपके साथ जो खड़े हैं माकपा के मौला साहब वो कह रहे हैं कि कुछ भी विकास नहीं हुआ है, तो ये उनका मामला है, उनसे पूछिए, वो किसी वार्ड के काउंसलर हैं, उनसे पूछिए उन्होंने अपने वार्ड में क्या काम किया। स्थापित सांसद तो आप उनके वार्ड में पीने का पानी का इंतजाम हमने करवाया पौरसभा के जरिए। लेकिन स्थापित सांसद तो आप हैं तो जवाब तो सर आपको ही देना पड़ेगा। नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है, मैं अकेले क्यों जवाब दूँ, MLA हैं, पंचायत समिति है, राज्य सरकार है, वो खुद भी जवाबदेही है, 2 नंबर वार्ड के काउंसलर है। आप पूरी तरह जीत के लिए आश्वस्त हैं? इंशाल्लाह। चलिए सुल्तान अहमद साहब जो हैं वो जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं, उनका कहना है कि 16 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पर अल्बेरिया है वहां पर तृणमूल का ही परचम लहराता फिर। कैमरा पर्सन छोड़कर प्रकाश चंद्रा।